me like a Hellcat. तो कहानी शुरू होती है एक श्रापित लड़की से जिसका नाम है नज़ुको। वो डार्क फॉरेस्ट में रहा करती थी जहाँ उसका एक कन्फाइंड एरिया था, मतलब कि एक हट थी जो कि चारों तरफ से तंत्र मंत्र से कवर्ड थी। उसके पिताजी ने उसे बताया था कि इस कन्फाइंड एरिया में वो सेफ है, लेकिन इसके बाहर निकलते ही उसके ऊपर लगा हुआ कर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइज, असल में हमारी कहानी यहाँ से नहीं शुरू हुई है, हमारी कहानी शुरू होती है आज से 17 साल पहले से। तो ये चलते हैं 17 साल पीछे। हमारी मुलाकात होती है क्वीन शिम से। अभी फिलहाल वो रॉयल डॉक्टर से चेकअप करवा रही होती हैं। उनका असल में कोई बच्चा नहीं हो रहा होता है। क्वीन शिम की सासू माँ होती है इस एम्पायर की ग्रैंड क्वीन। यहाँ पे इन्हीं का दबदबा था। जो किंग था वो भी कठपुतली की तरह ग्रैंड क्वीन के अंडर ही काम किया करता था। वैसे किंग अच्छा था, बस किस्मत का मारा था। ग्रैंड क्वीन बड़ी ही परेशान चल रही होती है। वो किंग से कहती है, 4 साल हो गए लेकिन तुम अभी तक इसे किंगडम को उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। किंग वॉज लाइक, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझ पे किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। ग्रैंड क्वीन उसकी बात से तो भाई खतरनाक गुस्सा हो जाती है। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, वो ये कि ग्रैंड क्वीन पावर में रहना चाहती थी। उन्हें नहीं पसंद था कि कोई भी उनके खिलाफ जाए। जब सारे इलाज और पूजा पाठ के बाद भी क्वीन शिम का कोई बच्चा नहीं हुआ, इस पर ग्रैंड क्वीन काफ़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इस एम्पायर का एयर चाहिए होता है। इसलिए वो एक विच को समन करती है। इस विच का नाम होता है होंगजू। ये औरत असल में काला जादू वगैरह करती थी और अंधेरे की पूजा करती थी। ग्रैंड क्वीन के कमांड पे होंगजू इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और ये पता लगाती है कि क्वीन शिम तो असल में अनफर्टाइल है, यानी कि इतने सालों से ग्रैंड क्वीन फालतू में ही आंस लगाए बैठी थी। लेकिन फिर भी होंगजू उन्हें हौसला देती है कि उसका काला जादू क्वीन शिम को प्रेग्नेंट कर सकता है। ग्रैंड क्वीन उत्तराधिकारी के मोह में इतना पागल हो गई थी कि बिना सोचे समझे वो उसे काला जादू करने के लिए हाँ बोल देती है। वेल, किंगडम में एक और रॉयल तांत्रिक भी होता है जो कि काला जादू नहीं सेफ जादू किया करता था। उसका नाम होता है पिक्कोलो। सेफ जादू से मेरे कहने का मतलब है कि वो भगवानों की पूजा करता था। वो नहीं चाहता था कि होंगजू किसी काले जादू का इस्तेमाल करे, इसलिए वो ग्रैंड क्वीन से रिक्वेस्ट करता है कि होंगजू को समय रहते रोक दिया जाए, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है। बट ग्रैंड क्वीन उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। आगे हमारी मुलाकात होती है लिलियन से। ये महिला किंगडम की सर्वेंट होती है, लेकिन उसमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी होती है। एक रात सपनों के जरिए उसे पता लगता है कि किंग बीमार होने वाला है, और उसे ये भी पता होता है कि उनको कौन सी बीमारी हुई है। ये बात वो रॉयल डॉक्टर को बता देती है और इस प्रकार वो किंगडम में फेमस हो जाती है। होंगजू को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो उसे पर्सनली मिलने के लिए जाती है, और पहली ही मुलाकात में वो समझ जाती है कि लिलियन के पास गॉड गिफ्ट ऑफ पावर्स होती हैं। होंगजू को एक ऐसे ही औरत की तलाश थी, मोर प्रिसाइसली उसे एक स्ट्रॉन्ग वेसल की तलाश थी जो कि उसके काले जादू में काम आ सके। सबसे पहले तो वो क्वीन शिम से मिलती है और उन्हें कन्विंस करती है कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो मैं जो बोलूँ वो करना पड़ेगा। अब चूंकि क्वीन शिम औलाद के लिए डेस्पिरेट होती है, इसीलिए बिना फल की चिंता किए वो तुरंत रेडी हो जाती है। होंगजू क्वीन शिम को पूरा प्लान बता देती है और क्वीन शिम प्लान के अकॉर्डिंग ही एक्ट करती है। लिलियन को किडनैप करके क्वीन शिम के सामने समन किया जाता है। क्वीन शिम उसे डायरेक्टली बोलती है कि आज की रात तुम्हें किंग के साथ बितानी होगी। शी वॉज लाइक, ये पॉसिबल नहीं है। क्वीन शिम वॉज लाइक, अगर मेरा कहना मानोगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी माँ का और भाई का ख्याल रखूँगी। लिलियन अपने परिवार के खातिर एक रात किंग के साथ बिता लेती है और अगले दिन वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अभी तक सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है। लिलियन को इस बात की ज़रा भी खबर नहीं होती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को ऐसा होता है कि होंग जो अपने काले जादू का सेटअप कर रही होती है, मीन टाइम पिकोलो आके उससे रोकने की कोशिश करता है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तक कि 5 साल पहले भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसमें काले जादू की मदद से किंग को मारा गया था। इसीलिए पिकोलो नहीं चाहता था कि इस बार भी ऐसा कुछ हो। असल में वो किंगडम के प्रति लॉयल था, बिल्कुल कटप्पा टाइप लॉयल।
मतलब कि जान जाए लेकिन किंगडम पे आज ना आए। पिकोलो पूरी तैयारी के साथ आया होता है, वो होंगजो का सारा काम रोकने ही वाला होता है, तभी ग्रैंड क्वीन आके सब बेकार कर देती है। वो उसे देशद्रोह के जुर्म में बंदी बना लेती है। होंगजो अपना प्रोसेस शुरू करती है और एक शैतानी ब्लैक स्मोक को क्रिएट करती है। पिकोलो के 3-4 बंदे पहले से ही बाहर मौजूद होते हैं, उनके हाथ में मिरर्स होते हैं और उन लोगों ने सक्सेसफुली उस ब्लैक स्मोक को पकड़ लिया होता है, लेकिन होंगजो के लेडी गुंस उन्हें मार पीट के घायल कर देती हैं और उनके मिरर्स भी टूट जाते हैं। ब्लैक स्मोक की मदद से बच्चा लिलियन की बॉडी से निकलकर क्वीन शिम की बॉडी में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान दोनों की बॉडी हवा में झूल रही होती है, मस्त भूतिया सीन होता है, लेकिन लिलियन को समझ आ जाता है कि उसके ऊपर काला जादू हुआ है। वो जैसे ही वहाँ से फरार होने की कोशिश करती है, होंगजो अपने लेडी गुंस के साथ उसे घेर लेती है और मजे ही मजे में पता नहीं क्यों होंगजो उसके माँ और भाई को भी मार डालती है। इसके बाद तो लिलियन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बस देख के मजा आ जाता है। वो अपनी सुपर पावर्स की हेल्प से होंगजो के सारे लेडी गुंस को टक्का देती है और साथ में ही होंगजो का गला भी पकड़ लेती है। लिलियन उसे वार्निंग देती है कि एक दिन तुम्हारा ये काला जादू ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। देखा जाए तो लिलियन की पावर तगड़ी होती है। वो चाहती तो होंगजो का यही काम तमाम कर सकती थी, लेकिन उसे पीछे से क्वीन शिम चाकू मार देती है। असल में लिलियन ने क्वीन शिम पे भरोसा किया होता है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो उसके परिवार का ख्याल रखेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। क्वीन शिम को भी अपनी करनी पे पछतावा हो रहा होता है, उसके चेहरे पे निराशा झलक रही होती है। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, बस पुत्र के मोह ने उससे ऐसा करवा दिया। लिलियन बस मरने ही वाली थी कि वो जाते जाते क्वीन शिम को एक श्राप देते हुए जाती है। वो कहती है, मुबारक हो क्वीन, आपके ट्विन्स होंगे लेकिन दोनों 17 साल के होते ही मर जाएंगे, और अगर गलती से वो जिंदा बच भी गए तो भी उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी होगी। जो उनसे प्यार करेगा वो भी मर जाएगा और जिसको वो प्यार करेंगे वो भी मर जाएगा। तो एक्चुअली में ये था वो कर्स। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। लिलियन ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही होता है। क्वीन के ट्विन्स ही होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों ही कर्स्ड होते हैं। होंगजो की शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ग्रैंड क्वीन से कहती है, कर्स को किसी एक बच्चे में डाल के बच्चे के साथ साथ कर्स को भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उस कर्स चाइल्ड को वो नहीं मार सकती क्योंकि उसके लिए शुद्ध अग्नि में उसे जलाना होगा, यानी कि कोई सेफ जादूगर ही ऐसा कर सकता है। तो अभी उनकी जानकारी में बस पिकोलो ही वो बंदा होता है जो ऐसा कर सकता था। ग्रैंड क्वीन होंगजो से कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन पिकोलो ऐसा करेगा क्यों? होंगजो उन्हें जवाब देती है कि पिकोलो को वो जितना जानती है वो देश की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर क्या होना था, पिकोलो को दोबारा से समन किया जाता है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो सारा कर्ज प्रिंसेस में डाल के उसे मार दिया जाए, या फिर दोनों 17 साल के होने पर अपने आप ही मर जाए। अब चूंकि पिकोलो किंगडम के लिए लॉयल था इसलिए वो पहला रास्ता चूज करता है और प्रिंसेस को शुद्ध अग्नि में जला के खत्म कर देता है। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है और 17 साल बीत जाते हैं। प्रिंस अब काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। अभी कुछ दिनों बाद ही प्रिंस का बर्थडे आने वाला होता है, तब वो ऑफिशियली 17 साल का हो जाएगा। प्रिंस अपनी माँ और ग्रैंड क्वीन को बताता है कि उसे अक्सर किसी अनजान लड़की के सपने आते हैं। क्वीन शिम वॉज लाइक, लगता है प्रिंस की शादी की उम्र हो गई है तभी ऐसे सपने आ रहे हैं। प्रिंस बेचारा शर्मा जाता है। उधर जब ये खबर होंगजो को मिलती है तो उसके तो भाई पसीने छूट जाते हैं। असल में रूल ये होता है कि होंगजो और प्रिंसेस जादू के जरिए लिंक्ड होते हैं, यानी कि इनमें से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। एनीवे, फाइनली कहानी में एंट्री होती है हमारे मेल लीड की, लेट्स कॉल हिम बाय द नेम मार्टिन। तो भाई मार्टिन एक नॉबल फैमिली का बास्टर्ड होता है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। मर्डर वगैरह नहीं करेगा, अच्छा इंसान है भाई वो। तो ऐसे ही एक क्वेस्ट के दौरान
दौरान वो जा पहुंचता है ब्लैक फॉरेस्ट में, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और उसने लोगों से कहानियां सुनी होती है कि जंगल में एक खूबसूरत भूतनी रहती है, इसीलिए उसे लगता है कि ये वही भूतनी है जो उसे सड्यूस करके खा जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लड़की कोई और नहीं, वही कर्स्ड प्रिंसेस होती है। और रही बात वो यहाँ क्या कर रही है और जिंदा कैसे बची, वो तो यार नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो गाइज मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट और भी दमदार होने वाला है। Why you make it-